डीडी किसान बदलते भारत की शान। भैया जैसे भी हो, पर ये लड़का बहुत अच्छा है। मैंने यूं ही उसको भला बुरा बहुत कहा, गुस्सा भी किया उस पर, अच्छे से कुछ खाने पीने को नहीं दिया, लेकिन ये इतना बुरा नहीं है। सासा जी, मैं कुछ दिन यहीं रहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। मेरा कोई आपत्ति नहीं है बेटा, अरे ये तुम्हारा ही घर है, तुम यहाँ रह सकते हो। लेकिन बेटा, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, तुम्हें यहाँ इतना ठीक खाना नहीं मिलेगा, मतलब तुम्हें तुम्हारी पसंद के खाना यहाँ नहीं मिल पाएगा। आप भी ना सासा जी, जब आपने खुद का घर बोल ही दिया है तो खाना पीना क्या मायने रखता है। दरअसल साचा जी, अब गांव के लोग बहुत भोले हो, तभी तो इतनी सारी सुविधाएं हैं, पर आप लोग उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। योजनाएं मतलब? सरकार ने जो कुछ योजनाएं बना के रखे हैं, वो सब योजना के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी नहीं है। सुना है पिछले 2 सालों से आपके खेती बर्बाद हो चुके हैं, पता है क्यों? क्योंकि आप लोग खेती करने के आधुनिक तरीकों से अनजान हो। मैंने इंटरनेट पे देखा है, आजकल सरकार इन सब के बारे में ट्रेनिंग भी देते हैं, आप कभी गए हैं? यही तो बात है साचा जी, खेती करके भी लाभान्वित हो सकते हैं। मैं कृषि विज्ञान का छात्र हूँ, आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कैसे वैज्ञानिक तरीकों से खेती करके मुनाफा कर सकते हैं। लेकिन बेटा, ये सब करने के लिए हमारे पास पैसा कहाँ है? आपको पता भी नहीं है, आजकल सरकार खेती करने के लिए लोन देते हैं। जमीन तो आपके पास है ही, और आप लोग मेहनत भी बहुत करते हो, बस थोड़ा सा जागृत होने की जरूरत है। सरकार ने इतने सारी योजनाएं दे रहे हैं, बस हमें उन सबका थोड़ा सा फायदा उठाना है। एक काम करिए, मुखिया जी से मिलिए, आज ग्राम सभा का दिन है, लेकिन आज का विषय कुछ अलग होगा। कैसे वैज्ञानिक पद्धति से खेती करके लाभान्वित हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तू चलाते रहे। सच्ची, कल जब मैं मछली खा रहा था ना, तब ऐसा लगा था कि ये आप लोगों का तलब का है।
लेकिन तालाब होने के बावजूद भी आप लोग मछली खरीद कर खाते हैं। जब मैंने इंटरनेट पे देखा मैं बहुत हैरान हुआ। आजकल सरकार मछली पालन के लिए लोन भी देते हैं, पर आप लोग ऐसे ही पैसा नहीं है करके बैठे रहे हैं। इन सब के बारे में तो हमें कोई ज्ञान ही नहीं है बेटा। मैं हूं ना, चलो हम अभी चलते हैं। आप सिर्फ मेरा साथ देना, बाकी जो बात करना है मैं करूंगा। कहाँ जाना है? आप लोगों के तालाब जो इतने दिनों से डस्टबिन बना के रखे हैं उसमें अभी मछली पालन करना है, और उसके लिए एक लोन चाहिए होगा। कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, किससे मिलना है, सब कुछ मैं बता दूंगा। बस आप तैयार होके आइए, जाइए। बेटा मैं सब कर पाऊंगी क्या? क्यों नहीं कर पाओगे? एक बार मन में ठान लीजिए, खुद कर सकोगे। चाची, इतने सौंकने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप लोगों के तालाब ठीक हो जाएगा ना, तब पूजा बिहू में तो मैं आऊंगा ही, लेकिन तब तालाब के सबसे बड़ी वाली मछली मैं ही खाऊंगा। चाची, तालाब की देखभाल आप ही करोगे, और तीनों अगर साथ में काम करोगे तभी आगे जा पाओगे, है कि नहीं? मैं ये सब कर पाऊंगी क्या? वाओ भैया, क्या बात है! क्या वावा? चल तू बता, घर में बैठे बैठे दिन भर तू क्या करती है? पढ़ाई तो तू करती नहीं है। करती हूँ ना भैया, बीए फाइनल ईयर में हूँ। उसके बाद कुछ सोचा है? शादी करके ससुराल में खाना पकाएगी क्या? अच्छा लड़का मिलना भी तो चाहिए ना। एक टप्पर मारूंगा, लड़का चाहिए? अरे लड़का तो हजारों मिलेगा, पहले खुद के पैरों पे खड़ा हो जा। अच्छा तू पढ़ाई में कैसी है? अच्छी नहीं हूँ, ईश्वर की कृपा से बिना रुके जा रही हूँ। तो फिर नहीं होगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। अच्छा तात लगाना जानती है तू? ना, एक बार कोशिश की थी पर मुझे पसंद नहीं आया। वैसे तू खाना अच्छी पका लेती है, लेकिन यहाँ पे रेस्टोरेंट ये सब तो नहीं चलेगा, ये भी कैंसिल। अच्छा तेरे लिए कुछ अलग सोचना होगा। चल बता, तुझे डांस आते हैं? गाना, एक्टिंग? ना। कुछ और? अच्छा चल तू ये बता, तेरा हॉबी क्या है? मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है, पूरे दिन रेडियो पर गाना सुनती रहती हूँ। और कुछ ऐसा जो कुछ तेरे मन में हो? मुझे आसमान में उड़ने का बहुत मन है, और उड़ते उड़ते चांद तारों को सुनने का मन है। कुछ और? और एक फूलों का बगीचा बनाने का बहुत मन है, चारों ओर फूल ही फूल, बीच में मैं। बंदरी, इतने देर से क्या बक रही थी तू? अभी आया ना मुद्दे पर। तू भी तेरी पसंद की काम ही करेगी। तू तेरे कुछ दोस्तों को यहां बुला जिनको फूल पसंद है, ठीक है? और यहाँ पे फूलों की खेती कर ले। फूलों का बिजनेस भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है। तुझे मालूम है असम में ज्यादातर फूल कोलकाता से आते हैं, क्योंकि असम में फूलों का उत्पादन कम होता है। तुम लोग मिलकर यहाँ पे फूलों की खेती करना और बाजार पे बेच देना, बस। पहले तेरे जो भी पैसे लगेंगे वो मैं दे दूंगा। एक बार अच्छे से शुरुआत कर ले, फिर एग्रीकल्चर से लोन भी मिलेगा। आज के समय में ऐसे कामों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर कोशिश अच्छा हो तो पैसे के वजह से काम कभी नहीं रुकते।
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अजी सुनते हो, सरकार के घर से हमें लोन मिलेंगे। आज हम लोग ऑफिस गए थे। आज ग्राम सभा में उसने सबको बताया कि कैसे कम मेहनत से हमें अच्छी फसल मिल सकते हैं। हम इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थे। दरअसल गलती हमारी है, हम नए बातों को सीखना ही नहीं चाहते। जितना खुद जानते हैं उसे ही काफी मानते हैं। समय के परिवर्तन के साथ साथ हमें भी इन सब बातों में घुल मिल जाना चाहिए। इसने हमारी जुड़ी को भी फूलों का बगान करने के लिए मना लिया है। अच्छा अब हमारी जुड़ी भी सहेलियों के साथ मिलकर फूलों की बगीचा करेगी। तुम उस पर गुस्सा मत होना। काम के बीच इतना उलझ गया था, बाकी सब मैं भूल गया। बीच बीच में गिल्टी फील नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मेरे अहंकार ने मुझे दबा कर रखा। अभी ये सब छोड़ो पापा, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इतने दिनों से पढ़ाई करके मैं कुछ करना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, लेकिन उन सब में कुछ मिसिंग था। और पापा, वो मिसिंग चीज मुझे यहां मिल गया है। यहां रह के मुझे मन में शांति मिलता है। तू कब लौटेगा? तेरे माँ ने तो रोना शुरू कर दिया है। कुछ काम है पापा, पहले वो खत्म कर लूं फिर जाऊंगा। तू सच में मेरे ऊपर नाराज नहीं है ना? भला मैं आपसे क्यों नाराज रहूंगा? बचपन से आपने मुझे बहुत अच्छा शिक्षा दी है, बिना संघर्ष का एक जीवन दिया है। हाँ, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो साचा जी और गांव वाले के साथ कर रहे हो, लेकिन पापा वो भी आपको माफ कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं गांव आ रहा हूं।
सच मेरे बातों में ही भरोसा करके जूरी ने सरकार द्वारा दिए गए तमाम योजनाओं का पूरा लाभ उठाया। गांव के लड़कियों को भी एक साथ ले ली। साची भी पीछे नहीं रही। अपनी फिसारी, साची की अपनी फिसरी, जूरी की नर्सरी के बदौलत आज एक सफल जिंदगी बिता रहे हैं। सरकार द्वारा लिए गए ये कदम को मेरे सलाम। अब एक साल बाद उनसे फिर मुलाकात होगी। मैं आ रहा हूं। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जानते हो मैं कितना एक्साइटेड हूँ? एक साल बाद गांव आया और ये जूरी है ना, फोन कर करके पागल कर रखे हैं। देखते हैं कब वापस आते हैं। नहीं यार, अभी तक पहुंचा ही नहीं, रास्ते में ही हूँ। ठीक है, चल भाई, मैं फोन करूंगा। बाय बाय। अजय सुनते हो? रोन आया है। कब है? अरे चलो चलो, मिलते हैं उससे। साची, अरे तू आ गया बेटा। जी। अरे देख तेरी चाची की कमाल, पिछले महीने मछली बेचकर क्या क्या चीजें लाई है। बेटा सब कुछ तेरे वजह से ही संभव हुआ। अच्छा ठीक है ठीक है, अब लोग बातें करो, मैं इनके लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। साची ये। हाँ हाँ। चाचा जी, मैंने क्या किया? ये तो आप लोगों का मेहनत का कमाल है। अच्छा खेती कैसा चल रहा है? जूरी ने जो फोटो भेजे थे उसमें तो बहुत अच्छा लग रहा था। बेटा खेती तो बहुत अच्छी हो रही है, जितना पानी खेत को चाहिए ना उतना ही दिया जाता है। वाह। खाद भी दिए जा रहे हैं और साथ में ध्यान भी रखा जा रहा है। जूरी कहाँ है? उसने तो फोन पे बहुत सारे बातें कर रही थी, अभी दिखाई क्यों नहीं दे रही है? आजकल वो फूलों के साथ व्यस्त रहती है और 2-3 दिन पहले एक साड़ी का ऑर्डर मिला है, शायद वो वही व्यस्त है। अच्छा। और तो और वह कहती है उसके शादी के लिए वह खुद खर्चा निकालेगी। भैया भैया, माँ। ए चिल्ला मत, चल पंखा ला, बहुत गर्मी लग रहा है। अभी हार पंखे की जरूरत नहीं है, मैंने इस कमरे में नई बिजली पंखा लगा दी है। अरे वाह। और सुनो, कल मछली पकड़ी थी, एक बड़ी सी मछली तुम्हारे लिए रखी है, किसी को खाने नहीं दिया। तुम बोले थे ना कि बड़ी मछली तुम ही खाओगे। क्या, एक बड़े वाले मछली मैं अकेले खाऊंगा? राक्षस समझ दिया क्या मुझे तू? खाना ही पड़ेगा, किसने कहा था ये सब बोलने के लिए? और सुनो एक खुशखबरी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हमारा लोन पक्का, इस बार हम बिजनेस और बढ़ाएंगे। तो फिर जो पैसे मैंने तुझे दिया था वो मुझे वापस मिलेगा? बिल्कुल नहीं। मैंने बोला था ना, जो निकालना होता है मैं निकाल लेती हूँ। यूं ही पंखा चला रही थी क्या? अब तो झूठ बोल के क्या फायदा, ये सब तो तुम्हारी वजह से ही हुआ है ना, और इसका इनाम मैं तुम्हें जरूर दूंगी। तुम्हारी शादी में फूलों की सारी जिम्मेदारी मेरी है, पूरी दिल्ली को मैं फूलों से सजा दूंगी। साची कहाँ है? चाचा जी, पापा आपसे बात करना चाहते हैं।
कहिए भैया, कैसे हैं आप? ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। भैया आप लोग ठीक है ना? हम चल रहे हैं किसी तरह। अब आपकी तबीयत कैसी है? बीच में ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अभी सब ठीक है। रन ने मुझे सब कुछ बताया। गलती मेरा है, मेरे अहंकार, मेरे लालच की वजह से यह सब कुछ हुआ। अब हम लोग दूर दूर नहीं रहेंगे, सुख में दुख में हम लोग साथ रहेंगे। भाभी और जूरी को मेरा प्यार देना। भैया वैसे भी मैं गांव जाने वाला ही था आप लोगों से मिलने के लिए, लेकिन कुछ काम की वजह से जा नहीं पाया, लेकिन जल्द ही मैं आ रहा हूँ भैया। आइए, आप आइए भैया, हम आपके इंतजार में बैठे हैं, आप जल्दी आए। कब आएंगे आप? हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ, बहुत जल्दी आऊंगा। ठीक है, अभी मैं रखता हूँ। अजीत सुनती हो? मीना जरा इधर आना। आ जूरी। हाँ आती हूँ। जूरी जल्दी इधर आ। हाँ जी, बुलाया आपने? हाँ। क्या हुआ? भैया आ रहे। अच्छा? तेरा ताऊजी आ रहे। वाह, ताऊजी आ रहे। अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम सुख में भी और दुख में भी हमेशा साथ रहेंगे। छुप जाऊं हवाओं में उड़ जाऊं।